तिल के बनी चिक्की और लड्डू तो आपने कई बार बनाए होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल की इतनी स्वादिष्ट और एकदम नई रेसिपी, जिसको देखने के बाद आप इसे तुरंत इन सर्दियों में बनाना चाहेंगे। ना तो इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही चीनी का, और बहुत ही स्वादिष्ट से हमारी बर्फी बनकर तैयार होती है। आप इसको एक बार खाएंगे ना तो कोई कहेगा ही नहीं कि आपने इसे घर में बनाया है। बहुत ही सॉफ्ट और काजू कतली की तरह इसका टेक्सचर है, देख रहे हैं, एकदम स्वादिष्ट। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को हम गुड़ में बनाने वाले हैं। हम यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं गुड़ के बजाय। तो यहाँ पर देसी गुड़ लिया है मैंने, जो बिल्कुल प्योर हो और अच्छी तरीके से साफ हो, इसमें बिल्कुल भी अशुद्धि ना हो। अगर अशुद्धि हो तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करें, गुड़ को थोड़ा सा पानी में डालकर देखिए, अगर वो जल्दी से घुल जाता है और उसमें बिल्कुल भी कंकड़ पत्थर नहीं रहते हैं, मतलब गुड़ बिल्कुल साफ है। तो यहाँ पर एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है, और अब उसी कप से नापकर मैंने एक कप सफ़ेद तेल लिए हैं। वैसे अगर आपके पास काले वाले तेल हो तो उससे भी अच्छा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ना कलर इसका बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से तिल का चुनाव कर सकते हैं। सफ़ेद और काले तिल दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून हमें लेना है मूंगफली के दाने। ये मूंगफली के दाने इस रेसिपी में एकदम नई जान डालेगा, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी ना कि जो भी खाएगा बस पूछेगा कि आपने इसे किस चीज़ से बनाया है। सिर्फ 2 या 3 टेबलस्पून मूंगफली लीजिएगा। तो ये तीनों चीज़ें हमारी इस रेसिपी के लिए एकदम खास है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे और उसमें हम ये मूंगफली के दाने डालकर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको अच्छी तरीके से हमें भूनना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। मूंगफली के दाने अच्छी तरीके से क्रिस्प हो गए हैं, तो अब इनको निकाल लेंगे प्लेट में और थोड़ा सा ठंडा करके इनके सारे छिलके हम हटा लेंगे। इस रेसिपी में हमें इसके छिलके यूज़ नहीं करने हैं। वापस से सेम पैन में हम डाल देंगे ये तेल, जिसको हम रोस्ट करेंगे, और इसे भी ड्राई रोस्ट ही करना है, घी तेल कुछ भी नहीं डालना है। अब चलिए इसको भी हम धीमी आंच पर भून लेते हैं। लगातार चलाते रहेगा नहीं तो तिल का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अच्छी तरीके से इनको भून लेना है। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट मैंने इनको भी भून लिया है, और तिल भी अच्छी तरीके से क्रिस्प हो गए हैं। अगर आप इनको हाथों में इस तरीके से रगड़े ना तो देखिए मैश हो रहे हैं, मतलब समझ जाइए कि तिल बिल्कुल तैयार है, देख रहे हैं। तो इनको हमें इतना ही भूनना है। इस रेसिपी को आप बिना भुने भी यानी कच्चे तिल से भी बना सकते हैं, वैसे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा भून लेने से ना ये मिठाई में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है और तिल के कच्चेपन का टेस्ट नहीं आता। तो चलिए इसमें से थोड़ा सा हम तिल निकाल लेंगे अलग कटोरी में, 3-4 चम्मच के आसपास निकाला है मैंने, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब बाकी बचा हुआ तिल हम क्या करेंगे, सेम मूंगफली वाली प्लेट में निकाल देंगे। देखिए मैंने मूंगफली के सारे छिलके हटा दिए हैं, और अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो देख सकते हैं तिल हमारी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है, और मैंने मूंगफली के दाने बहुत ही थोड़ा लिया है, आप देख सकते हैं तिल के मुकाबले में, इसलिए आप ही थोड़ा ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो मूंगफली का टेस्ट ज़्यादा आएगा। अब चलिए इन सारी चीज़ों को डाल देंगे एक साफ और सूखे मिक्सी के जार में, और इसको हमें पीसना होगा। तो इसको हम जार में डाल देंगे, और बिल्कुल मिक्सी को रोक रोक कर हमें इसे चलाना है। अगर आप एक साथ में चला देंगे तो बारीक तो हो जाएगा, लेकिन तिल और मूंगफली से तेल निकल जाएगा, इसलिए इसको रोक रोक कर चलाना है और बढ़िया से बारीक करना है। 4 से 5 बार इसको मिक्सी को रोक रोक कर चलाएंगे ना पल्स मोड पे, तो ये पिस जाते हैं। तो देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारी तिल और मूँगफली एकदम बारीक हो गई है, और देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें से तेल रिलीज नहीं हुआ है, एकदम सूखा है, देख सकते हैं, ये देखें। तो ये मिक्सर हमारा रेडी है, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इस मिक्सर को एकदम बारीक पीसना है, बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं रहने चाहिए। और इस मिठाई को आप इन सर्दियों में ज़रूर ट्राई करना, स्पेशली मकर संक्रांति आने वाली है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखना बहुत पसंद आएगी सभी को। और हमेशा के जो तिल की चिक्की खाते हैं ना उससे तो बहुत ज़्यादा अलग है। चलिए इस पाउडर में हम ये बचा हुआ जो तिल हमने निकाल कर रखा था रोस्ट करके वो ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो काले तिल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि मिठाई का कलर थोड़ा सा अलग रहेगा। अब यहाँ पर एक मावे वाला टेस्ट देने के लिए, खोए वाला टेस्ट देने के लिए हम यूज़ करेंगे मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, बढ़िया मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मैं 3 से 4 चम्मच इस मिक्सर में ऐड कर लेंगे। अगर आप इस रेसिपी में मिल्क पाउडर के बजाय खोए या फिर मावे का यूज़ करना चाहते हैं तो आप 1/4 कप के आसपास खोया मावा डाल सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर से भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट आता है, तो सिर्फ 4 चम्मच डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। अब डाल देंगे इसमें इलायची का पाउडर, मैंने 3 इलायची को हल्का सा कूट करके लिया है, इसको अच्छी तरीके से पाउडर बना लीजिए और इसमें ऐड कर लेंगे। चलिए सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से, ये देखें,
और मिक्सचर का कलर भी बिल्कुल हल्का हो गया है, देख रहे हैं मिल्क पाउडर डालने की वजह से। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है, ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है कुक करने के लिए। तो चलिए अब हम इसकी मज़ेदार और एकदम टेस्टी सी बर्फ़ी बनाते हैं जो इन सर्दियों और त्योहारों का मज़ा दुगना कर देगी। तो मैंने यहाँ पर एक भारी तली का पैन रख दिया है गैस के ऊपर, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं जिसमें अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिलाया जा सके, थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा। और इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे ये गुड़ जो हमने एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, कुछ भी घी तेल नहीं डालना है। और इसमें हम 2 चम्मच या 3 चम्मच के आसपास पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बिल्कुल थोड़ा पानी डालना है ताकि जो गुड़ है उसको अच्छी तरीके से घुलने में मदद मिल सके। अब फ्लेम को हम मीडियम करके अच्छी तरीके से गुड़ को पिघलाएंगे जब तक एकदम बढ़िया से जो टुकड़े हैं एकदम स्मूथ ना हो जाए। ये देखें गुड़ अच्छी तरीके से पिघलने लगा है, अगर आप चीनी भी ले रहे हैं ना तो भी पानी आप कम ही डालेंगे और उसको भी अच्छी तरीके से आप इस तरीके से गाढ़ी चाशनी तैयार करेंगे। बस थोड़ी देर में ही ये जो गुड़ है वो अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगा और जब ये चाशनी तैयार होगी ना पूरी कढ़ाई में एकदम झाग इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा, देख रहे हैं, मतलब आपकी चाशनी बिल्कुल तैयार है। जब इस स्टेज पर आ जाए ना तो समझिए कि चाशनी को और पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब चलिए गैस का फ्लेम कम करेंगे और हमने जो पाउडर तैयार किया था ना तेल से सारी चीज़ों को मिलाकर वो पूरा मिक्सचर हम इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन फ्लेम को एकदम कम रखिएगा नहीं तो जो चाशनी है वो और पककर बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगेगी मिठाई आपकी। तो ये पूरा मिक्सचर मैंने डाल दिया है, अब क्या करेंगे फ्लेम को कम ही रखेंगे और चाशनी को अच्छी तरीके से इस मिक्सचर में मिलाएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे चलाइएगा ताकि बढ़िया से ये मिक्स हो जाए। ये देखें इतने चाशनी में ये बढ़िया से घुल मिल जाते हैं। तो आप सारी चीज़ों का मेज़रमेंट का ध्यान रखें और अच्छी तरीके से इनको मिला लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा मिक्सचर गीला लग रहा है ना तो थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ाकर आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं। सारी चीज़ें बढ़िया से मिल गई हैं देख रहे हैं और मिक्सचर एकदम स्मूथ है। तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और थोड़ा सा ढक देते हैं। देखिए 5 से 7 मिनट के बाद मिक्सचर हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया और मैं आपको दिखाती हूँ इसको चेक कैसे करना है। इस तरीके से स्पैचुला में थोड़ा सा मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है तो इसको हम अगर हम हाथों में इस तरीके से बनाएं तो बॉल की तरह बनना चाहिए, मतलब ये बर्फ़ी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन मिक्सचर अभी कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म है तो हम क्या करेंगे, ये आलू मैशर होता है ना पोटैटो मैशर, इससे हमें इस तरीके से इसको मैश करना है ताकि जो बर्फ़ी बने उसमें एकदम काजू कतली की तरह टेक्सचर आए, एकदम स्मूथ और टेस्टी बने। इसके लिए हमको ये प्रोसेस ज़रूर से करना है। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप कोई भी गिलास कटोरी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैश बिल्कुल करना है। जब तक करना है जब तक ये अच्छी तरीके से ठंडा ना हो जाए। तो मैंने इनको बढ़िया से मैश कर लिया है और ये अच्छी तरीके से ठंडे हो जैसे इससे होने लगते हैं ना हार्ड हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे अब इस टाइम पे हाथों पर थोड़ा सा घी या फिर तेल लगा लीजिए और अच्छी तरीके से इसको हाथों से हम एकदम डो की तरह इसको बनाएंगे, देख रहे हैं एकदम जल्दी से इकट्ठा हो जाता है जैसे जैसे ठंडा होता है ना वैसे वैसे, लेकिन पूरी तरीके से ठंडा मत होने दीजिएगा नहीं तो ये जमने लगेगा। अब ये हल्का गर्म है तो अब इसको चलिए हम बढ़िया सी बर्फी का शेप देते हैं। तो यहाँ पर एक साफ़ और सूखी जगह पर या फिर प्लेटफॉर्म पर रख लीजिए और अब इसको बेलन की मदद से हम एकदम पतला बेलेंगे, जितना आपको मोटा या फिर पतला पसंद हो उस हिसाब से आप इसको बेल सकते हैं, बर्फ़ी की तरह पतला कर सकते हैं या फिर आप मोटी फज की तरह भी कर सकते हैं। ऊपर की लेयर को बढ़िया से चिकना कर लीजिए बेलन की मदद से। ये देखें एकदम बढ़िया टेक्स्चर आया ना इसका। अब इसको बढ़िया सा लुक देने के लिए हम चांदी वर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गोल्डन वर्क भी ले सकते हैं या फिर अपने हिसाब से इसको काट करके ड्राई फ्रूट्स की से भी सजा सकते हैं। तो सजाने का आपके ऊपर है कि आपको कितनी कलाकारी करनी है इसके साथ। तो यहाँ पर मैं चांदी वर्क लगा रही हूँ जिससे कि जो मिठाई है वो बिल्कुल मार्केट की तरह दिखे। और अब अपने हिसाब से इसको काट लीजिए। तो अभी मिक्सचर गर्म है तभी हम इसको काटेंगे, बाद में काटने से बढ़िया शेप नहीं आएगा, ये अच्छे से हार्ड हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इनको इस तरीके से बर्फ़ी की तरह काट लिया है, साइड्स के जो किनारे हैं ना उनको हम निकाल देंगे और उससे भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिठाई को बनाएंगे। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि जो किनारे बचे हैं उससे भी हम मिठाई बना सकते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से चौकोर काट रही हूँ, ये देखें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत बहुत टेस्टी बनती है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखना यही आपको पसंद आएगी और आप तिल की चिक्की तो भूल ही जाएंगे। इसको थोड़ा सा पिस्ता इससे भी गार्निश कर सकते हैं इस तरीके से, जो और भी ज़्यादा बढ़िया दिखती है। तो आप अपने हिसाब से इसको सजा लीजिए और चलिए सारे हम जो बर्फ़ी इस तरीके से सजा कर तैयार कर लेते हैं। और लीजिए आपकी बहुत ही मज़ेदार सी बहुत बहुत टेस्टी ये तिल की कतली बिल्कुल तैयार है। आप इसको तिल की कतली भी कह सकते हैं या फिर तिल की चिक्की भी कह सकते हैं,
जो हमने साइड्स के कट करके रखे थे ना मिक्सचर को, ये देखिए उसको मैंने इस तरीके से रोल करके इसके ऊपर भी चांदी वर्क लगा दिया है, और ये ऐसे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप अपने हिसाब से बर्फ़ी को और भी अलग अलग शेप दे सकते हैं जैसे आपको पसंद आए। तो लीजिए ये बहुत ही मज़ेदार, स्वादिष्ट और एकदम नरम नरम सी हमारी मिठाई बनकर तैयार है। आप इन त्योहारों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और तिल की चिक्की के बजाय ये रेसिपी आप एक बार बना कर देखना, देखना एकदम मुँह में जाते ही घुल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। देख रहे हैं कितनी नरम है टेक्स्चर इसका, देखिए एकदम मुँह में जाते ही घुलने वाला। तो कैसी लगी रेसिपी हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। इस रेसिपी को मैंने चीनी के साथ भी बनाया है, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो जाकर ज़रूर से देखिए। मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और भी नई नई तरीकों की मिठाइयों की रेसिपीज़ के लिंक भी दिए हैं, तो जाकर ज़रूर से देखिए। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके पास मेरी हर दिन की नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए इन्जॉय कीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।